गाइज़ वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी आइज़ को लेकर सूक्ष्म क्रियाएँ, जिसके द्वारा आप अपनी आइज़ को है जो कि हेल्दी रख सकते हैं और अपनी जो नज़र की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हमें अपनी आइज़ के लिए कौन कौन सी क्रियाएँ करनी चाहिए। नंबर वन, हमें अपनी आइज़ को, जैसे कि हमें नीचे देखना है फिर ऊपर देखना है, नीचे ऊपर, पहले हमें ये अपनी काउंटिंग करते रहें आप कितनी कर रहे हैं। और जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो प्रोसेस है वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले आपको ये धीरे धीरे करनी है, पहले नीचे देखना है फिर आसमान की तरफ देखना है, फिर उसके बाद आप इस प्रोसेस को धीरे धीरे तेज करते जाएँ। यह प्रोसेस आपको 30 सेकंड करनी होती है। और नेक्स्ट है, इसमें आपको अपनी जो ये बीच वाला एरिया होता है इसकी सहायता से आपको पहले दाएं देखना है फिर बाएं देखना है। पहले आपको धीरे धीरे करना है और उसके बाद आप इसको थोड़ी सी जल्दी करने लगे, पहले धीरे धीरे उसके बाद तेज तेज। तो यह भी आपको 30 सेकंड ही करनी होती है, या फिर आप काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना है, जैसे कि आप पहले सामने देखें और उसके बाद अपनी आइज़ की ऐसे घुमाएं कि एक सर्कल पूरा बन जाए। सबसे पहले जैसे कि ऐसे घुमाना है, ऐसे जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाएं। उसके बाद आपको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। तो ये हुई हमारी आइज़ की सूक्ष्म क्रियाएं। इससे क्या होता है कि हमारी आइज़ की जो कि मांसपेशियां होती है वह प्रॉपर वर्क करती हैं और हमारी आइज़ होती है उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह अच्छे से होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हमें अपने थंब को ऐसे लेकर रखना है बिल्कुल सामने और उसके बाद आप इसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन बनाएं और उसके बाद धीरे धीरे इसको अपने पास लेकर आएं। जब आपको यहाँ पर आकर डबल डबल हो जाए तो वहाँ तक ले जाए और उसके बाद दोबारा से दूर लेकर जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो नज़र की प्रॉब्लम होती है जैसे कि वह ठीक हो जाएगी, या फिर जैसे किसी का स्पेक्स, जो किसी का चश्मा नंबर होता है तो वह भी उतर जाएगा। पर लगातार हमें ये वाली क्रियाएं करते रहना होगा। हमें ये वाली प्रोसेस भी 30 सेकंड करनी है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी, जैसे कि हमें अपनी अपनी फेस के यहाँ पर लिप्स का ओ बनाना है और उसके बाद आपको अपनी आईज़ से ऊपर की ओर देखना है। अपने सबसे पहले लिप्स का ओ बना लें, इससे क्या होगा आपकी जो ये वाली यहाँ की जो मसल्स होती है वह स्ट्रेच होंगी और यहाँ से हमारा जो एकदम खिंचाव सा होगा और हमारी जो आइज़ होती हैं वह इससे हेल्दी बनती हैं। इससे हमारी जो आइज़ होती है वह हेल्दी होती है और आइज़ की होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कम कर सकते हैं भी इन क्रियाओं को करने से, या फिर होने वाली जो भी हमें प्रॉब्लम है उनसे हम बच सकते हैं ये वाली क्रियाएँ करके। और ये छोटे छोटे तरीकों से हम अपनी आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं। और सुबह उठकर हमें पार्क के अंदर नंगे पांव घूमना चाहिए, 20 मिनट कम से कम हमें पार्क के अंदर नंगे पांव घूमना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो नज़र होती है वह तेज होती है। और ये सभी क्रियाएं करने से अगर आप अपने डेली चार्ट के अंदर इसको फॉलो करोगे तो आप भी आइज़ की समस्या से
छुटकारा पालोगे और आपकी जो आईज है वह हेल्दी हो जाएंगी। और आप कोई भी क्रियाएं करते हैं या कोई भी मसाज करते हैं या योगा करते हैं तो हमें उसको अपने डेली चार्ट के अंदर ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई भी जैसे क्रियाएं या फिर योगा अगर एक दिन ही करते हैं तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो हमें इसको डेली करना होता है, तभी आपको इसका रिज़ल्ट अच्छे से मिलेगा और तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।